हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और आपको इंस्टाग्राम पे ये प्रॉब्लम आ रही, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो इमेज है यहाँ पे लोड नहीं हो रही है। यहाँ पे देख सकते हैं कोल्ड लोड इमेज टैप टू रीट्राई। गाइस, हमें ये प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से हमारी जो इमेज है लोड नहीं हो रही यहाँ पे। तो गाइस, अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो आपको यहाँ पे इमेज नहीं दिख रही है, फ़ोटो नहीं आ रही, यहाँ पे पोस्ट यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, यहाँ पे ये एरर देखने को मिल रहा है कोल्ड लोड इमेज टैप टू रीट्राई, तो हम इस पर जैसे ही करते हैं तो तब भी यहाँ पे इमेज हमें देखने को नहीं मिलती है। तो गाइस, इस प्रॉब्लम को कैसे हटाना है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए यहाँ से आपको अपने इंस्टाग्राम से बैक चले आना होगा। उसके बाद जाना होगा आपको अपनी मोबाइल की सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको जाना है, यहाँ पे आपको नीचे जाना है ऐप्स में। तो गाइस, यहाँ पे आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकती है, तो यहाँ पे आपको ढूंढ लेना, क्योंकि किसी मोबाइल में ऐप्स होता है, किसी में इंस्टॉल ऐप्स होता है, किसी में एप्लीकेशन होता है, पर ये सभी में होता है। तो यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जाना है इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम सर्च कर लेना है। इंस्टाग्राम सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम पे चले जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जाना परमिशंस पे। परमिशंस पे जाने के बाद यहाँ पे आपको सभी परमिशंस को ऑन कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको बैक आना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जाना है स्टोरेज में। स्टोरेज में जाने के बाद यहाँ पे क्लियर डेटा और क्लियर कैसेस दोनों कर देना है, यहाँ पे आपको कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको बैक चले आना है। बैक आने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपनी नेटवर्क सेटिंग को रीसेट कर देना है। तो यहाँ पे आपको लिखना है रीसेट नेटवर्क सेटिंग, रीसेट नेटवर्क सेटिंग। तो यहाँ पे आपको अपनी नेटवर्क सेटिंग को रीसेट कर देना है। तो यहाँ पे आपको इस पर जाना है नेटवर्क, रीसेट नेटवर्क सेटिंग पे, और उसके बाद यहाँ पे आपको रीसेट कर देना है। रीसेट नेटवर्क सेटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इस सेटिंग को रीसेट कर देना है। यहाँ पे हमने रीसेट नेटवर्क सेटिंग कर दी है। यहाँ से हम बैक आएंगे और गाइस, यहाँ पे आपको यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग को रीसेट कर देना। उसके बाद यहाँ पे आपको सेटिंग से बैक चले आना होगा। उसके बाद जाना होगा आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में चले जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम को अपडेट कर लेना है, इंस्टाग्राम को अपडेट कर लेना है। तो यहाँ पे गाइस, अगर आपका जो इंस्टाग्राम एप्लीकेशन है अपडेट नहीं है, तो आप अपने इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को अपडेट कर लें। तो यहाँ पे मेरा जो इंस्टाग्राम है अपडेट के लिए है, तो हम अपने इंस्टाग्राम ऐप को अपडेट कर लेंगे। तो गाइस, आपको अपने इंस्टाग्राम ऐप को अपडेट कर लेना होगा। उसके बाद आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पर आपको अपने फ़ोन को रिबूट कर देना है। तो गाइस, आप अपने फ़ोन को रिबूट करना जानते ही होंगे, बहुत ही ईजी है। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अपने फ़ोन को रिबूट करने के लिए आपको अपनी पावर बटन को 10 सेकंड तक प्रेस करके रखना होगा। उसके बाद वहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, पावर ऑफ और रिबूट। तो गाइस, आपको रिबूट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपको पावर ऑफ के बटन पर नहीं क्लिक करना है, आपको रिबूट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप रिबूट पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो फ़ोन है स्विच ऑफ हो जाएगा। उसके बाद कुछ देर बाद ऑटोमेटिकली आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा, आपको ऑन नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है आपको अपने इंस्टाग्राम में, और यहाँ पर आपको अपने इंस्टाग्राम में लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं अपना लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे यहाँ पे हम अपना अकाउंट लॉगिन कर लेंगे। इसके बाद हम इसे लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आप गाइस देख सकते हैं, यहाँ पे हमें कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरी सारी की सारी जो इमेज हैं लोड हो रही हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो गाइस देख सकते हैं, हमारी जो इमेज हैं लोड हो चुकी हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, अभी जो यहाँ पे एरर देखने को मिल रहा था, वो एरर यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, वो प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये वाली जो इमेज है लोड नहीं हो रही थी, यहाँ पे हमें प्रॉब्लम शो कर रही थी। तो गाइस देख सकते हैं, हमारी वो वाली भी जो इमेज
डाउनलोड हो चुकी है, वो वाली पोस्ट भी डाउनलोड हो चुकी है। तो गाइस ऐसे आप इस प्रॉब्लम को हटा सकते हैं अपने इंस्टाग्राम से। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो अगर आपने शेयर नहीं किया तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।